वृंदावन में एक पहले खुल गया था आकाश की कोचिंग, और अभी अभी न्यू न्यू खुला है मैकडॉनल्ड्स। तो आज हम लोग वहीं पे गए थे मैकडॉनल्ड्स में, तो ये व्लॉग भी वहीं का ही है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन मनाने वनाने के बाद मैं और मेरा भाई निकल दिए मैकडॉनल्ड्स की ओर। उसने बताया था कि भैया वृंदावन में खुल गया, जबकि मुझे मालूम नहीं था, अभी तक खुला नहीं था, अभी शायद नया नया ही खुला है। तो फिर वो आकाश में पड़ता है, तो आप लोग सामने देख सकते हो वहाँ बगल में आकाश भी है। तो फिर मैं पहुँचा मैकडॉनल्ड्स, हमने कहा सही है भाई चलो। उसने कहा भी था कि भैया यहाँ का बर्गर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना चला जाए। तो मैं सबसे पहले भाई मैं बरेली में ही मैकडॉनल्ड्स में गया हूँ फिनिक्स वाले, तो भाई उससे तो ये लाख गुना अच्छा था। हालांकि देखने में अच्छा था, मतलब बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हाँ, और लखनऊ में अभी तक मैं मैकडॉनल्ड्स में नहीं गया था, सच कह रहा हूँ। बर्गर किंग गया था लेकिन मैकडॉनल्ड्स में नहीं गया था, हजरतगंज वाले। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ का व्लॉग बना लिया। अब भाई मेरे भाई को वो नहीं आता था, क्या बोलते हैं, यही है वो सेलेक्ट करना कि कैसे करते हैं। तो फिर मैंने उसको बता दिया कि भाई देख लो कैसे कैसे करते हैं, एकदम अच्छे से एकदम बताता रहा। लेकिन मैं कहा था कि भाई रिकॉर्डिंग भी करना, और भाई ये बंदा यार मेरे भाई, मैं क्या कहूँ, चलो कोई ना, मेरा ही भाई है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की, देखो यहाँ पर मैंने केचप ऐड ऑन नहीं किया है। हालाँकि जब मैं बरेली में जब किया था, मतलब ये नहीं करता था, केचप ऐड ऑन नहीं करता था, तब भी जो पैकेट वाला होता नहीं है एक एक रुपये वाला, वो मिल जाता था। चार पीस मिलते थे अगर आप लोग दो लोग हो, दो पीस मिलेंगे अगर आप लोग एक लोग हो। लेकिन साला मुझे नहीं लगा था, मुझे मैं यही सोच के किया था कि भाई मिल जाएगा केचप, है ना, वो पैकेट वाला। मुझे लगा दो लोग हैं तो चार केचप मिल जाएगा, अलग से केचप ऐड ऑन करने की क्या ज़रूरत। लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि भाई मिलेगा ही नहीं। तो मैं अभी इसको बता रहा था कि कैसे क्या क्या चीज़ होती है, तो फिर उसने कहा हाँ भैया मैं समझ गया। लेकिन भैया भाई कसम से वीडियो रिकॉर्डिंग ये मतलब ये कैमरा वही पकड़ा है, और वो कसम से वो रिकॉर्ड सही से नहीं कर पाया। खैर छोड़ो, अपना ही भाई है, क्या चलता है। और वैसे भी आज अच्छा दिन था, आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है, फिर क्या कैश वैसे जमा वमा करने के बाद उसने कहा भैया एक फ़ोटो, वो पोज बनाने लगा। मैं सोचा थोड़ा रिकॉर्डिंग भी कर लिया जाए, और फिर उसके बाद अपना ये आ गया, मील आ गया। और सबसे पहले मैं मील की बात किया जाऊँ, फिंगर चिप्स भाई बरेली में भी फिनिक्स में मैं खाया था भाई। देखो अभी मैं वीडियो में सही कहूँगा क्यों भाई, वहाँ पे लोग हैं, लेकिन वीडियो में उतना मैं बता रहा हूँ रियली उतना अच्छा नहीं था, फ्रेंच फ्राइज एकदम वैसा हुआ था। लेकिन हाँ बर्गर भाई कसम से मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का। जय मेरे भाई ने कहा था कि यहाँ का बर्गर काफ़ी अच्छा है, तो हाँ सच में बर्गर हमेशा मैकडॉनल्ड्स का अच्छा होता ही। और फीलिंग भाई, फीलिंग तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छे खासा की गई थी। और बस खाना आने के बाद हम लोग चले गए, मतलब अपने घर की ओर निकल दिए। तो बस यहीं तक था अपना व्लॉग, बहुत ही छोटू सा व्लॉग है आई नो। होपफुली यार आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक मारो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं जा रहा हूँ अपने घर, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।